एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कि आपका बहुत पहले से आपका मोस्ट अवेटेड कोर्स रहा है शॉर्ट नोट्स, वो भी पावर सिस्टम के, तो वो मैं आज यहाँ पे आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा आपको पता है पावर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट हैं, जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोटेक्शन है, एनालिसिस पार्ट है ना, इकोनॉमिक्स है। तो इन सभी को मैं वन बाय वन सबको अच्छे से डिस्कस करूंगा और मैं ये आपको बिलीव दिलाता हूं कि अगर आप इस सेशन को पूरा देख पाते हैं या देख लेते हैं तो इसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा, आप सभी लोग इस शॉर्ट नोट्स को मेरे साथ नोट करते जाइएगा, प्रॉपर मैं लिख लिख के एक्सप्लेन करते हुए आपको सारी चीजें यहाँ पे बताते हुए चलूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावर सिस्टम का कौन सा पार्ट स्टार्ट करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं पावर सिस्टम का एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। पावर सिस्टम का मैं सबसे पहले कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज योर एनालिसिस पार्ट, और उस एनालिसिस के बाद हम लोग फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर दिक्कत लोगों को यहीं पे जाती है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और लोगों को वो क्वेश्चन याद भी हो चुके हैं, वो भी कराऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा पहले जो प्रायोरिटी है मेरी दैट इज पावर सिस्टम एनालिसिस। तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर लीजिए, पावर सिस्टम एनालिसिस, पावर सिस्टम, कौन सा पार्ट है ये, एनालिसिस, पावर सिस्टम का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एनालिसिस वाला, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है ना, उसमें से कौन सा पार्ट मैं पहले पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को बताने वाला हूँ, दैट इज योर पर यूनिट सिस्टम, है ना। सबसे पहले जो पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट नोट बनवाऊंगा, वो किसका पार्ट होगा, दैट इज योर पर यूनिट सिस्टम। तो आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग भी पुट कर लीजिए, पर यूनिट सिस्टम। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए आपको यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पर यूनिट वैल्यू होती क्या है, हम अगर बोलें पर यूनिट वैल्यू होती क्या है तो क्या बोलेंगे, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है तो हम क्या बोलेंगे, देखना सभी लोग प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे पर यूनिट वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में को पीयू लिख देते हैं, पर यूनिट वैल्यू को, इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास क्या, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे ऑपरेट करिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक बल्ब है आपके पास, ठीक है ना, आपके पास एक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी हुई वो 220 वोल्ट के लिए बनाया गया, लेकिन अगर धोखे से उसमें 220 वोल्ट ना मिलके 210 वोल्ट मिला तो 210 वोल्ट में जो ऑपरेट कर रहा है वो एक्चुअल वोल्टेज हो गया, और जिसके लिए वो बनाया गया है उसको बोलते हैं बेस वोल्टेज, है ना। तो याद में समझ में आ गया आप लोगों को कि पर यूनिट वैल्यू हम किसको बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अगर कभी मुझे पर यूनिट वैल्यू पता है और मुझे निकालने के लिए बोला जा रहा है कौन सी वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, तो आपको घबराना नहीं है, है ना। अगर आपको पर यूनिट वैल्यू पता है और आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है कौन सी वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, तो वो क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर यूनिट इनटू 100, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे कौन सी वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। थोड़ा सा मैं बात करूंगा किसके बारे में, सिंगल फेज सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो क्या बात करने वाला मैं यहाँ पे, कि अगर मैं बात करूं सिंगल फेज सिस्टम में मेरे पास क्या-क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लो आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है ना, जो कि आपका एक तरीके से सिंगल फेज में काम कर रहे हैं या चार्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी कुछ ना कुछ रेटिंग होती है, जैसे कि आपके पास अगर बल्ब भी है एक,
तो उसका एक पावर रेटिंग होता है, हाँ या ना? बिल्कुल होता है कि एस बेस क्या होगा उस बल्ब का, एस बेस मतलब पावर रेटिंग क्या होगी, उसका इम्पीडेंस कितना होगा जेड बेस, उस बल्ब का कुछ वोल्टेज बेस होगा वी बेस, और उस बल्ब का कुछ ना कुछ क्या होगा करंट बेस होगा आई बेस। तो ये चार बेस हमको देखने को मिलते हैं सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। और इनके बीच में जो रिलेशन है ना वो सभी को पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन के बीच का पता है। जैसे कि अगर बात करूं मैं यहाँ पे एस बेस इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या बोलोगे? एस बेस मतलब पावर का बेस, ये हमें तो होता है क्या वी बेस और आई बेस का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो याद रखना है वी बेस इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब एस बेस इक्वल्स टू क्या होगा वी बेस इनटू आई बेस, या फिर अगर मैं यहां से पूछू जेड बेस क्या होगा तो वी अपॉन आई, तो आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे जेड बेस कितना होता है, क्या बोलोगे आप यहाँ पे जेड बेस इक्वल्स टू वी बेस अपॉन आई बेस, मतलब वोल्टेज का बेस डिवाइड बाय आई बेस। आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होगी। अब ऐसा बहुत बार होता है कि आपको पावर रेटिंग दिया होता है और आपके पास यहाँ पे मतलब एस बेस दिया रहता है और आपको यहाँ पे वोल्टेज का बेस दिया होता है और आपसे जेड बेस की वैल्यू पूछता है, तो उसको वो जो फॉर्मूला है ना वही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिए। वो क्या होता है जेड बेस इक्वल्स टू हाउ मच, जेड बेस इक्वल्स टू ये जो वी बेस हम कह रहे थे उसका स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा वी बेस का स्क्वेयर अपॉन एस बेस। तो ये आपके पास यहाँ पे चीजें ध्यान में रखनी है, यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब जैसे हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम में अगर हम लोग बेस निकालते हैं या पायरियन वैल्यू निकालते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ ना कि मुझे निकालना है यहाँ पे क्या वी पर यूनिट, वी पर यूनिट, तो वी पर यूनिट कैसे होगा हमारे पास वी एक्चुअल वैल्यू अपॉन वी बेस, ये होगा ना फॉर्मूला, बोल वी का कौन सी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, मैं ऊपर एक्चुअली लिख रहा हूँ आप समझ जाना, वी मतलब वी ए सी लिख दिया तो समझ जाना वी ए सी टी मतलब वी का एक्चुअल अपॉन वी बेस। सिमिलरली अगर मैं आई पर यूनिट पूछूं तो आई पर यूनिट कितना होगा, क्या बोलोगे करंट का एक्चुअल वैल्यू, तो आई सी टी ए सी टी दिया मैंने डिवाइड बाय आई बेस, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर मुझे निकालना है यहाँ पे किसका बेस, मुझे निकालना है यहाँ पे आपका कौन सा बेस आर पर यूनिट, ध्यान से मैंने लोगों आर पर यूनिट, तो आर पर यूनिट क्या होगा आर एक्चुअल अपॉन आर बेस, आर एक्चुअल अपॉन आर बेस। लेकिन आप बताओ मुझे क्या मैंने सिंगल फेज में आर बेस बताया आपको, नहीं बताया। तो याद रखना है आर बेस एक्स बेस और जेड बेस ये तीनों सेम होते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा अभी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर पर यूनिट की वैल्यू आर एक्चुअल अपॉन जेड बेस ही रहेगा, है ना, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे निकालना है एक्स पर यूनिट, ये भी आप समझ गए हो कैसे करना है, एक्स एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय जेड बेस, तो हमको इस चीज से एक चीज समझ में आई कि कौन कौन से बेस सेम होते हैं, तो वो आपको समझ में आया होगा कि मेरे पास जो जेड बेस होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि मेरे पास यहाँ पे जो जेड बेस होता है, ठीक है ना, और आर बेस होता है और एक्स बेस होता है मतलब रिएक्टेंस का बेस, ये तीनों वैल्यू आपकी क्या होती हैं सेम होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात आती है यहां पे और जिसको हम बोलते हैं आपका क्या कि हमारे पास यहां पे पी पर यूनिट क्या हो, पी पर यूनिट वो भी देख लो, पी पर यूनिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि मेरे पास यहाँ पे पी पर यूनिट क्या होगा, तो पी पर यूनिट कैसे निकालोगे आप, मतलब एक्टिव पावर का पर यूनिट वैल्यू, तो पी एक्चुअल पी ए सी टी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय पी बेस, लेकिन क्या यहाँ पे पी बेस है, नहीं है, तो आप क्या करोगे एस बेस, तो
यहाँ पे हो जाएगा पी एक्चुअल अपॉन एस बेस। वैसे अगर आपसे पूछा गया क्यू पर यूनिट मतलब क्या, आपका रिएक्टिव पावर का पर यूनिट क्या करोगे, रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव पावर का एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय कौन सा बेस हम लेंगे यहाँ पे, दैट इज अवर एस बेस। तो हम लोग अगेन यहाँ पे बोल सकते हैं एक चीज कि हमारे पास तीन पर यूनिट मतलब तीन जो बेस होते हैं वो सेम होते हैं, कौन कौन से, पी बेस, क्यू बेस और एस बेस, ये तीनों सेम होते हैं। तो ये चीज भी आप लिख लो यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला मैंने, एस बेस पावर का जो बेस होता है वो हमारा बराबर होगा किसका, पी बेस के बराबर क्यू बेस के। ठीक है, ओके। चलिए तो अगर यहाँ पे कुछ और मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बताना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि एस बेस मतलब एस पर यूनिट, पी पर यूनिट और क्यू पर यूनिट में क्या रिलेशन होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, मैं लिख देता हूँ आपका, जो हमारा एस पर यूनिट होता है वो क्या होगा, पी पर यूनिट प्लस जे क्यू पर यूनिट के बराबर। समझ में आ रहा सभी को कैसे करना है हमको चीजों को, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इतना कर पा रहे हैं मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इतना याद रख पाते हैं तो आगे चल के डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए ओके। तो हम यहां तक पहुंचे। अच्छा, एक चीज हमको यहाँ पे थोड़ा समझना होता है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो है क्या, रिप्रेजेंटेशन। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कैसे हमारे पास जनरेटर है तो हम उसको पर यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट करें, हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे पास एक स्टैटिक लोड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांसफार्मर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो है ना उनका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ बता देता हूँ। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे हेडिंग भी पुट कर सकते हो कि पावर सिस्टम में जो पर यूनिट सिस्टम हम लोग देखते हैं ना, तो हम बोलते हैं यहाँ पे पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, क्या डाल लो हेडिंग यहाँ पे, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने, जैसे कि सबसे पहले बात करता हूं मैं एक जनरेटर की। तो ये मेरे पास एक जनरेटर है ना, ये मेरे पास एक क्या है भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज माय जनरेटर, ठीक है ना। और इस जनरेटर मुझे बताने ये स्टीम इनपुट पे काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा साइन बना देता हूँ जो कि ये बताता है कि ये जो जनरेटर है वो किस पे काम कर रहा है, दैट इज वर्किंग ऑन स्टीम इनपुट। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस जनरेटर को हम पर यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको जनरेटर, आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे कि हमारा जनरेटर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यहाँ पे तो जनरेटर छोटे शब्दों में लिख लो, ये जो जनरेटर है इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ये जितना भी शॉर्ट नोट कराऊंगा पावर सिस्टम का, मैक्स टू मैक्स 10 से 12 पेज का होगा और पूरा आपका पावर सिस्टम इस पर कवर हो जाएगा, और इसको रिवाइज करने में मैक्स टू मैक्स आपको आधे से 1 घंटे लगेंगे जो कि आप डेली कर सकते हो। अगर आप डेली करोगे तो एक टाइम बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, मगप हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर सिस्टम में जो जनरेटर का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं वो हमारा किस प्रकार का होता है वो मैं यहाँ पे बना दूंगा। ये हो गया मेरे पास जनरेटर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और यहाँ पे साथ में आपके पास एक तो यहाँ पे आपका होता है, पहले क्या यहाँ पे आपका होता है इसका मैग्नीट्यूड, तो वो तो हम कैसे लिखते हैं वो समझना सभी लोग, मॉड ऑफ ई जी, जी मतलब जनरेटर, तो मॉड ऑफ ई जी एट एन एंगल
डेल्टा, डेल्टा हमारा क्या होता है यहाँ पे लोअर इंपर, और यहाँ पे जो ऊपर दिया वो हमारा हो जाएगा जे एक्स एस, सिंक्रोनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा जनरेटर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, समझ में आया सभी को। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, अब थोड़ा सा बात करता हूं मैं किसके बारे में, अपने ट्रांसफॉर्मर के बारे में, कि हमारा ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सो दिस इज अवर ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेशन, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर ऐसा कुछ होता है, आप सभी को पता है ट्रांसफॉर्मर मेरा किस प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो दिस इज अवर ट्रांसफॉर्मर, इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं पावर सिस्टम में वो दो प्रकार से कर सकते हैं, कैसे देखना। एक तरीका जो है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसको यूज करता हूँ, वो ये है। इसको हम बोलते हैं क्या, Z01। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफॉर्मर का वो भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है चीज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई Z01 की वैल्यू क्या होगी, Z02 की वैल्यू अगर यहाँ पे सेकेंडरी साइड लेके जाएंगे तो Z02 क्या रहता है, तो Z01 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, Z1 प्लस Z2 बाई K2। अब ट्रांसफॉर्मर में K की वैल्यू क्या होती है, बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, या फिर हम इसको बोलना चाहें Z2, Z02, अगर Z02 की वैल्यू हमसे पूछी गई तो आप सभी लोग पता है क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी K²Z1 प्लस Z2। मतलब अभी तक जो चीज मैं बताई इसमें कोई पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था भाई, ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट था ना, ऐसा मत सोचना कि सर ये तो आप पावर सिस्टम में नई नई चीजें बता रहे, तो कुछ भी नई चीजें नहीं बताई अभी तक, जितना ही बताया नेटवर्क, बेसिक नेटवर्क और बेसिक आपका ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताया मैंने। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे आपका कि हमारा ये आपका क्या था, ट्रांसफॉर्मर था, ये देखो यहाँ पे मैं, ये हमने किसके बारे में बताया आपका, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। थोड़ा सा बात करता हूँ मैं किसके बारे में, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो मेरा ट्रांसमिशन लाइन कैसा होगा देखना सभी लोग, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये मेरा होता है ट्रांसमिशन लाइन का क्या इक्विवेलेंट, हम क्या रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन ट्रांसमिशन लाइन, टीएल लिख दिया मैंने, समझ जाना आपको, टीएल मतलब ट्रांसमिशन लाइन। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा सबसे आसान होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी इजी, किस प्रकार का, इस प्रकार सिंपल, एक यहां पे जेड दैट्स इट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया जेड। तो हम लोग जब पावर सिस्टम पढ़ेंगे और कहीं पे ट्रांसमिशन लाइन आएगी तो हम उसको इससे रिप्रेजेंट कर, ठीक है ओके। अब बात आती है आपका जनरेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, अब एक नया पार्ट आप इसको बोलते हैं आपका क्या, सिंक्रोनस मोटर, उसका किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हम लोग बनाएंगे वो भी आप लोग देख लो। जैसे जो सिंक्रोनस मोटर, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा ना थोड़ा बहुत इसी के जैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा एंगल में फर्क आएगा, किस प्रकार का देखना, वो हमारा बनेगा इस प्रकार, थोड़ा सा बना लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे क्या, ट्रांसफॉर्मर का, सॉरी किसका, सिंक्रोनस मोटर का, ये सिंक्रोनस जनरेटर था, ये सिंक्रोनस मोटर, ये हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, जे एक्स एस सिंक्रोनस जनरेटर था, ये आपका क्या मोटर, तो जे एक्स एम मोटर के लिए हमने ऐसा लिख दिया। और यहाँ पे जो एंगल होगा तो मॉड ऑफ ई एम मोटर का इंड्यूस ई एम एट एन एंगल माइनस डेल्टा, ये मुझे आपको बताना। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया किसके बारे में, सिंक्रोनस मोटर के बारे में।
बोनस मोटर। क्या क्या हो गया? जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सिंक्रोनस मोटर। एक नया पार्ट आता है जिसको बोलते हैं आपका क्या, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का कैसे बनाते हैं हम लोग देखना। इंडक्शन मोटर का हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से, इसको बोलते हैं आपका इंडक्शन मोटर। और इसका जो हमारा इक्विवेलेंट यहां पे बनेगा डायग्राम या इक्विवेलेंट सर्किट, वो हमारा ऐसा कुछ बनेगा। पावर सिस्टम में पता है एक सबसे ज्यादा मतलब लोगों को दिक्कत क्यों जाती है, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। जनरेटर भी आ गया, ट्रांसफार्मर भी आ गया, है ना, सिंक्रोनस भी आ गया, तो मतलब इसलिए लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत जाती है। लेकिन है दिक्कत आगे सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है। तो ये हमारा इंडक्शन मोटर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं एक्स इक्वलेंट, और ये हमारा तो आपके पास क्या आर टू बाय एस। जो लोग इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं उनको पता है कि एस क्या होती है, स्लिप होती है, तो मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इंडक्शन मोटर का हमारा क्या इक्विवेलेंट सर्किट। नेक्स्ट एक जो लास्ट पार्ट आपका इक्विवेलेंट सर्किट का बचा हुआ है वो आपका क्या स्टैटिक लोड। अगर आपके पास कोई एक लोड कनेक्टेड है हमारे पावर सिस्टम में, अगर कोई हमारे पास एक क्या कनेक्ट है, लोड कनेक्टेड है, तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आपके पास यहाँ पे कोई एक लोड, दिस इज योर स्टैटिक लोड। क्या बोलोगे इसको? स्टैटिक मतलब रुका हुआ पार्ट, ऐसा नहीं कि मतलब वो मूविंग कोई लोड है, जो स्टैटिक लोड। और स्टैटिक लोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसका भी मैं बना के दिखा देता हूँ। उसमें भी हमारे पास क्या होंगे, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस होंगे, दैट्स इट। वो हमारा हो जाएगा ऐसा। और आर लोड या पहुंच जाएगा जे एक्स लोड। तो यहां पे मैंने आपको सारे उन सभी पार्ट्स के क्या बता दिए, इक्विवेलेंट सर्किट जो कि आपको पता हो, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर और स्टैटिक लोड। इन सभी के मैंने इक्विवेलेंट सर्किट आपको बताए जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, पर यूनिट सिस्टम में कुछ चीजें आपको और समझनी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने आपको यहाँ पे एक्स पर यूनिट की वैल्यू क्या बताई है, एक्स एक्चुअल अपॉन जेड बेस। तो अगर हमको बताना है एल पर यूनिट की वैल्यू, याद रखना एक्स पर यूनिट और एल पर यूनिट सेम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है कि एक्स पर यूनिट और हमारा कौन सा पर यूनिट, एल पर यूनिट, इंडक्टेंस का पर यूनिट, ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होती है, सेम होती है। छोटा सा डेरिवेशन होता है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्यों बताऊँ भाई, शॉर्ट नोट्स में डेरिवेशन अगर मैं कराने लग गया तो क्या ही मतलब रह जाएगा इसका, शॉर्ट नोट्स का, समझ में, समझते हो ना आप। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर आपको ये देखो, मैंने आपको एल पर यूनिट के बारे में बताइए कैसे निकालना है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ जाए कि एल बेस निकाल लो, क्या निकाल लो, एल बेस, एल बेस आपको निकालने का कभी अगर ऐसा बोल दिया गया एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, जेड बेस को 2 पाई एफ से डिवाइड कर दोगे, जेड बेस डिवाइड बाय 2 पाई एफ, ठीक है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने बताया था जेड बेस इक्वल्स टू एक्स बेस होता है, बिल्कुल बात बोल रहा हूं मैं, जेड बेस इक्वल्स टू एक्स बेस होता है, लेकिन मैंने एल बेस नहीं बताया था ना। एल बेस इक्वल्स टू क्या होगा, जेड बेस अपॉन 2 पाई एफ। जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ तो डिटेल पढ़ाता हूँ पूरा डिटेल से, लेकिन अभी शॉर्ट नोट्स की कहानी है, तो ये मत पूछना ये कहाँ से आया सब, क्योंकि वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला। लेकिन जो उनके पास कॉमन सेंस होगा वो समझ गए होंगे कि सर जेड बेस इक्वल टू एक्स बेस, एक्स बेस इक्वल टू ओमेगा एल बेस, तो वहां से एल बेस इक्वल टू इतना आ गया। कॉमन सेंस को लगाना तो लगा लिए होंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं एक आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं अपने आपको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ना, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा अपने आपको छोटा भी कर लूँ क्या, ठीक है, चलो तो फिर से स्टार्ट करते हैं।
इतना तो हो गया, इसके आगे कहानी बात करते हैं, जो कि हमारा थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में हम लोग पर यूनिट वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो इस चीज में से हम लोग देखना। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले बात करते हैं थ्री फेज सिस्टम में वो हमारा क्या, कौन सी चीज की हम यहाँ पे हमारा जो आईएल बेस है, बेस वैल्यू निकालना, वो कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे आईएल वैल्यू, आईएल वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला सभी को पता होगा वो क्या होता है, एमवीए बेस थ्री फेज। एमवीए बेस मतलब जैसे सिंगल फेज में एस बेस होता था, वैसे हमारे थ्री फेज में एमवीए बेस होगा, तो पावर का बेस थ्री फेज डिवाइडेड बाय √3 VL, ये होता है ना, √3 × kV बेस। के बेस लिखता हूँ कि थ्री फेज में वोल्टेज ज्यादा होगा ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किलो वोल्ट बेस, केवी बेस, ज्यादातर बुक में भी ऐसा देखने को मिलता है मुझे, तो यहाँ पे वी बेस भी लिख सकते हो, केवी बेस भी लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एमवीए बेस लिखा है, मतलब पावर थोड़ा ज्यादा होता तो एमवीए बेस, और यहाँ पे केवी बेस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आईएल निकालने का तरीका। अगर मुझे कभी जेड बेस निकालना है, ये आईएल का क्या निकाला मैंने, बेस, कभी अगर मुझे निकालना है यहाँ पे जेड बेस थ्री फेज में, उसका क्या तरीका है, वो तरीका भी देख लो। वो होता है आपके पास केवी बेस पर फेज, मतलब वोल्टेज का पर फेज का, केवी बेस पर फेज डिवाइडेड बाय एस, मतलब एमवीए बेस पर फेज। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, एमवीए बेस पर फेज मतलब यहाँ पे केवी का स्क्वायर होता है, केवी बेस पर फेज का स्क्वायर डिवाइड बाय एमवीए बेस पर फेज। या फिर एस बेस में हम लोग एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं, जेट फेज का एक फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, केवी बेस लाइन टू लाइन का स्क्वायर डिवाइड बाय एमवीए बेस थ्री फेज। दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला लगाओ आपका सेम आंसर है, ठीक है ना। तो आप जो भी फॉर्मूला लगाओ इन दोनों में से, वो दोनों में से आपका आंसर सही है। तो ये मैंने जेड बेस के बारे में लिया कि थ्री फेज में आप जेड बेस कैसे निकालते, सिंगल फेज में बड़ा आसान था भाई, लेकिन थ्री फेज में दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप जेड बेस निकाल सकते हो और दोनों में सेम आंसर आपका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने को मिलती है वो ये है चेंज ऑफ बेस। मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई मतलब पर यूनिट वैल्यू जो बोलते हैं, चेंज इन पर यूनिट वैल्यू कैसे हम बोलते हैं, जैसे मैं नाम इस चीज को, कि मेरे पास एक बल्ब है जिसका कुछ वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, जिसका मुझे कुछ पावर रेटिंग दिया हुआ है, और बताया गया कि इन दोनों वोल्टेज और पावर रेटिंग पे आपका इस बल्ब का जो पर यूनिट वैल्यू है वो आर पर यूनिट है, या कुछ भी बोल दो आर ओल्ड पर यूनिट है। लेकिन अगर मैं उसके वोल्टेज को, जो मेरा बल्ब था उसके वोल्टेज के बेस को या फिर पावर के बेस को चेंज करता हूँ, तो जो मेरा पर यूनिट होगा रेजिस्टेंस तो वो भी चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखना क्या बोला मैंने, कौन सा फॉर्मूला है, चेंज ऑफ बेस। एक चीज मैं बता दूं, ये जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो पूरा एक पेज में मैंने कराया है ना, ये जो पूरा है एक पेज में कराया, ये आपके किसी भी एग्जाम में जो पर यूनिट वैल्यू सिस्टम है उसके हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, है ना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एसएससी जेई के लिए करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपका जो सीजी का भी पेपर होने वाला है जेई का उसके लिए करा रहा हूँ, ये चीज आपके किसी भी एग्जाम में पर यूनिट से कोई क्वेश्चन बन रहा है, ये एक पेज जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा। कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस भी मैं ही करवा रहा हूँ, वो दूसरा पर्सन को नहीं बोलो कि वो कराएंगे, मैं ही करवाऊंगा प्रैक्टिस, बस आपको थोड़ा सा चैनल पे बने रहना है, ठीक है। चलो ओके, तो अगर हमको यहाँ पे जेड पर यूनिट न्यू बताना है, जेड पर यूनिट न्यू, उसकी वैल्यू क्या होता है, जेड पर यूनिट न्यू दोस्तों क्या होगा, जेड पर यूनिट ओल्ड। अब ओल्ड में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे वो समझ, हमारे पास वोल्टेज के दो बेस हैं, एक ओल्ड बेस एक न्यू बेस, पावर के दो बेस हैं ओल्ड बेस और न्यू बेस।
तो हम पहले क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ लगाते हैं यहाँ पे केवी ओल्ड, मतलब वोल्टेज का ओल्ड, केवी ओल्ड डिवाइड बाय केवी न्यू, केवी ओल्ड मतलब वोल्टेज का ओल्ड बेस डिवाइड बाय केवी न्यू, इन दोनों का क्लियर, इनटू हमको लगाना है पावर का ऊपर क्या लिखना है, न्यू बेस, पावर न्यू मतलब एमवीए न्यू, ऐसे लिखो स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, एमवीए न्यू, एक बार देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है ना, तो 2 मिनट रुको मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, देखता हूँ यहाँ पे एमवीए न्यू डिवाइड बाय एमवीए ओल्ड, लो भाई नीचे लिखता हूँ स्पेस थोड़ा सा, एमवीए न्यू डिवाइड बाय एक लाइन में तो ज्यादा सही रहेगा, मैं अच्छे से तो सटा सटा के लिखता हूँ, ठीक है तो ये हो जाएगा आपके क्या जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू केवी ओल्ड डिवाइड बाय केवी न्यू, इनका स्क्वायर इनटू एमवीए मतलब पावर का न्यू डिवाइड बाय एमवीए ओल्ड, ये फॉर्मूला हमारा होता है किसके लिए, बेस को चेंज करने के। बहुत सारे क्वेश्चन बने आज के डेट में, अगर मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन देखने जाऊं बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास बन चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे, तो मैंने आपको जेड बेस के बारे में बताया, जेड पर यूनिट के बारे में बताया, अगर मुझे ई पर यूनिट निकालना है तो वो कैसे निकाल लूंगा वो भी देख लो, तो देखना अगर मुझे यहाँ पे ई पर यूनिट निकालने की जरूरत पड़ रही है तो वो कैसे करूंगा, ई पर यूनिट ये भी आप देख लो, ई पर यूनिट न्यू, मैं देता हूँ यहाँ पे ई पर यूनिट न्यू, नई वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा ई पर यूनिट ओल्ड, और उसमें हमको वोल्टेज का जो नया बेस है उसको क्या करना है, यहाँ पे जो ओल्ड बेस है वी बेस ओल्ड, पावर का ओल्ड वी बेस ओल्ड डिवाइड बाय वी बेस न्यू, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट, तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी बन चुकी है किसके लिए, पर यूनिट सिस्टम के लिए, ठीक है ना। मैंने बहुत सही तरीके से, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स मोड में आपको ये करके बताया है पूरे एक पेज में, आप चाहो तो इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बना सकते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी चीजें याद हो गई होंगी, या फिर आपको याद नहीं हो तो आप कुछ पुराने पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में कुछ चीजें ऐड होती हैं, है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, के की वैल्यू क्या होता है, आप चाहो तो उसको भी ऐड कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है, वो आपका ट्रांसफॉर्मर का पार्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे का जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क, वो मैं आपका नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।